अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर सर एसएन एंड आई विल टीच यू सोशल स्टडी। तो व्हाट इज़ सोशल स्टडी? द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशल स्टडी। इंसान और इंसान से जुड़े मुआशरे के बारे में मालूमात हासिल करना मुआशरती उलूम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट का दूसरे चैप्टर का पहला लेसन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे मेरा मोहल्ला। मोहल्ला क्या होता है इसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने ख़ानदान पढ़ा, आपके ख़ानदान में कौन कौन लोग आते हैं, आपके ख़ानदान में आपके भाई, आपकी बहन, आपकी मामा, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपकी नानी, आपके चचा, आपकी चची, आपकी फुप्पो, आपके फुप्पा, और इसके अलावा आपके मामू, आपकी खाला, आपकी ये सब, आपके कज़न वगैरह, ये तमाम के तमाम लोग किस में आते हैं? आपके ख़ानदान में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा मोहल्ला। मोहल्ला क्या होता है? आपके इर्द गिर्द का इलाका आपका क्या कहलाता है? मोहल्ला कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, आपके घर के बराबर में एक और घर है, उस घर के बराबर में एक और घर है, ये तमाम के तमाम लोग किस में मौजूद हैं? आपके मोहल्ले में। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो मुआशरा बनाते हैं। आपका मोहल्ला यानी ये आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो आप सब मिल के क्या बनाते हैं? आपका मोहल्ला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोहल्ला बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बड़ा लड़का है जिसका नाम अली है। क्या नाम है? अली। वो अपने मोहल्ले के बारे में आपको बता रहा है। चलें पढ़ते हैं। मोहल्ला समझ में आया आप लोगों को? आपके इर्द गिर्द के माहौल, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम लोग आपका मोहल्ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका मोहल्ला कहलाते हैं। सही है। आपके मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके मोहल्ले में परचून की दुकान होती है जहाँ से सौदा वगैरह लेकर आते हैं। आपके मोहल्ले में मस्जिद भी होती है। सही है। आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके इर्द गिर्द की जगह पे जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम के तमाम चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? मोहल्ला कहलाती हैं, मोहल्ले में आती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? अली है। क्या नाम है? अली है। चलें लिखते हैं। वो अपने मोहल्ले के बारे में आपको बता रहा है। लिखें। मीम ये मेरे, अलिफ रा मेरा, नून अलिफ नाम, मीम साकिन नाम, ऐन लाम छोटी है अली। अब आप लोग अली नहीं लिखेंगे। अगर आपका नाम ज़ैनब है तो आप मेरा नाम ज़ैनब है लिखेंगे। अगर आपका नाम अदील है तो मेरा नाम अदील है लिखेंगे। अगर आपका नाम अवेज़ है तो मेरा नाम अवेज़ है लिखेंगे। तमाम बच्चों को बात समझ में आई? वेरी गुड। मेरा नाम अली है। पढ़ें तमाम बच्चे, अपना नाम लिखेंगे। सही है, लिख लिया। फिर नंबर टू में ये है ये, मीम ये मेरे, अलिफ रा मेरा, ये मेरा, गा दो चश्मिये, रे घर, हे बढ़िया है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। पढ़े तमाम बच्चे, वेरी गुड। क्या है आपका? घर है। अब ये लिखने के बाद आप एक छोटी सी तस्वीर खींचेंगे और इसके नीचे अपने घर की तस्वीर लगा देंगे। अगर मौजूद है तो लगा देंगे, अगर नहीं है तो खींच के लगा देंगे ग्लू से, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, आपका घर तो आ गया, जो आपके आसपास घर हैं वो क्या कहलाते हैं? सही है। आपके घर के आसपास जो घर हैं उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके बारे में लिखते हैं। आपके बराबर सामने और बराबर वाले घर आपके मोहल्ले में आते हैं। आपके अलीमदा पैसा किन आप का बड़े के, आपके सामने और बेर अलीफरा बरा, बेर बर बराबर, बाफा लाम बड़ेले वाले, गाब दो चश्मिये, रे घर, आपके सामने और बराबर वाले घर, आपके अलीमदा पेशाकिन आप का बढ़िए के, आपके
पड़ोस पेड़ ए बाव पड़ोस सीन साकिन पड़ोस काफ है कह लाम अलिफ ला कहलाते बड़िए ते कहलाते हे ये नुनगुन्ना हैं कहलाते हैं आपके सामने और बराबर वाले घर आपके पड़ोस कहलाते हैं। यानी आपके सामने कोई घर है आपके कोई बराबर में घर है वो आपके तमाम के तमाम जो घर हैं वो आपके कौन से घर हैं आपके पड़ोस घर हैं। सही है आपके बराबर वाले घर के लोग आपके पड़ोसी कहलाते हैं। अली मद्दा आप साकिन आप का बढ़िए के आपके सामने और बराबर वाले आपकी गली के लोग आपके पड़ोसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गली देखिए ना चौड़ी सी जो होती है आपका घर होता है आपके घर के बराबर में दूसरा घर उसके बराबर में तीसरा घर उसके बराबर में चौथा घर उसके सामने भी ऐसे घर होते हैं घर उसके बराबर में दूसरा घर उसके बराबर में तीसरा घर और बीच में एक जगह खाली होती है उसे क्या बोलते हैं गली बोलते हैं। क्या बोलते हैं गली बोलते हैं जिसमें से आप घर से निकलते हैं अम्मी से बोलते हैं अम्मी पैसे दें मैं चीज़ लेने जाऊंगा। सही है ये बोलते हैं और घर से निकलते हैं और चीज़ वाले की दुकान पे जाते हैं जो चीज़ वाला है आपके किस में आता है मोहल्ले में आता है और आप जहाँ से जाते हैं वो आपकी क्या कहलाती है गली कहलाती है। तो प्यारे बच्चों आपकी गली में आपकी काफ छुटिए की गली काफ लाम छुटियली गली देखे आप लोगों यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों आपकी गली के लोग अली मदा पैसा किन आप काफ छुटी की आपकी गाफ लाम छुटीली गली काफ बढ़िए के आपकी गली के लाम बाओ गाफ साकिन लोग आपकी गली के लोग आपके कौन होते हैं अली मदा पैसा किन आप का बढ़िए के आपके पेड़े वाओ पड़ोसी छुटिए सी पड़ोसी हे बाओ होते बढ़िए ते होते हे ये नुनगुन्ना हैं आपकी गली के लोग आपके पड़ोसी होते हैं आपके सामने आपके बराबर में आपके बराबर से बराबर वाले लोग आपके कौन हैं आपके पड़ोसी हैं। क्योंकि आपकी गली में जितने लोग रहते हैं बराबर बराबर सामने वो आपके कौन कहलाते हैं पड़ोस में रहते हैं आपके पड़ोस में रहते हैं और आपके बराबर बराबर के लोग आपके कौन होते हैं आपके पड़ोसी होते हैं। क्लियर हो गई बात वेरी गुड तो सही है तो मोहल्ला क्लियर हो गया आप लोगों को ठीक है। अब ये अली क्या बता रहा है प्यारे बच्चों देख रहे हैं कितना प्यारा सा बच्चा है अली। अब अली क्या बता रहा है अली कह रहा है मीम ये मेरा रे बढ़िए रे मेरे गाफ दो चश्मिए रे साकिन घर मेरे घर का बढ़िए के मेरे घर के अली मदा सिन साकिन आस पहले पास सिन साकिन पास मेरे घर के आस पास अली बा और रे साकिन और भी छोटिए भी और भी मेरे घर के आसपास और भी बहुत सारे घर बे है ते बहुत सीन अलिफ सारे बढ़िए रे सारे गाफ तो चश्मिए रे घर बहुत सारे घर अलिफ वाओ रे साकिन और दाल वाओ दू सीन रे छोटिए री दूसरी जीम गाफ है ये नुनगुन्ना जग हैं है ये नुनगुन्ना हैं मेरे घर के आसपास और भी बहुत सारे घर और दूसरी जगह हैं। यानी मेरे घर के आसपास जो दूसरे घर हैं वो क्या कहलाएंगे मेरे पड़ोसी कहलाएंगे और यानी मेरे पड़ोस के घर कहलाएंगे और बहुत सारी दूसरी जगह हैं। जैसे मेरी गली में चीज़ की दुकान है मैं गली से बाहर रोड पे निकलता हूँ तो मुझे परचून वाले की दुकान नज़र आती है जहाँ से मेरे बाबा जान रोज़ाना
महीने की सौदा महीने में महीने की सौदा वगैरह लेकर आते हैं। और उससे आगे जाऊँ तो सब्ज़ी वाले की दुकान नज़र आती है, और उससे आगे जाऊँ तो और भी बहुत सारी दुकानें, मस्जिद वगैरह, ये सब आपको नज़र आती हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? तो इन सब से मिलके क्या बनता है प्यारे बच्चों? मोहल्ला बनता है। तो तमाम बच्चे, ये जो हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करके इन 5 पॉइंट को 2 दफ़ा रीड कर लीजिए। जल्दी से रीड करिए हिज्जे के साथ, सही है? मीम ये मेर अलिफरा मेरा नून अलिफना मीम सा के नाम, ऐसे पूरा रीड कर लें 2 दफ़ा, जल्दी से रीड करें। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी भी कर लीजिए जल्दी से, पढ़ पढ़ के कॉपी करेंगे तमाम बच्चे, सही है? कोई पढ़े बगैर पढ़े कॉपी नहीं करेगा, सही है? जल्दी जल्दी सीखना है ना, जल्दी जल्दी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ पढ़ के कॉपी करना पड़ेगा। तो पढ़ पढ़ के कॉपी करें, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6, कितने पॉइंट लिख लिए? 5 पॉइंट लिख लिए। मोहल्ला क्या होता है आपको समझ में आया? आपके घर के आसपास के इलाके और आपके घर के जो इर्द गिर्द की दूसरी जगहें हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? आपका मोहल्ला कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पॉइंट नंबर 6, इनसे मिलकर मेरा मोहल्ला बनता है। इनसे मिलकर यानी मेरे घर के आसपास, इन सब से मीम लाम मिल काफ रे कर मिलकर, इन सब से मिलकर मेरा मीम ये रे अलिफ रा मेरा मीम हे लाम हेला मोहल्ला बे नून ते अलिफ ता बनता हे, बढ़िए है। इन सब से मिलकर मेरा मोहल्ला बनता है, जो मेरे घर के आसपास लोग होते हैं, मैं हमारे पड़ोसी उनसे, और जो मेरे घर के इर्द गिर्द दुकानें वगैरह होती हैं, इन सब से मिलके क्या बनता है प्यारे बच्चों? मेरा मोहल्ला बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मोहल्ले के बारे में सीखा ना, तमाम बच्चों को क्लियर है बात, मोहल्ला क्या होता है? वेरी गुड। तो इस पॉइंट को भी पढ़िए और कॉपी करिए, हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है। तमाम बच्चे इसे पढ़ें और तमाम बच्चे काम करें और तमाम प्यारे प्यारे बच्चे से अपना अपना ख्याल रखें, सही है? हम दोबारा से आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।